डुमरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय तेल चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। इसकी जानकारी डुमरी SDPO सुमित प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आपको बताते चले कि बीते 6 अगस्त को डुमरी थाना क्षेत्र के IBPNH-19 से JH-02AJ-7360 ट्रैक में कोलकाता से रिफाइंड तेल लोड कर एक ट्रक बिहार पर बरसलीगंज जा रही थी। इस दौरान रात को पेट्रोल पंप पर ड्राइवर खाना खाकर सो गया। इसके बाद तेल चोर गिरोह के सदस्यों ने ट्रक का तिरपाल काटकर ट्रक में रखे तेल और रिफाइंड की चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं सुबह जब ड्राइवर की नींद खुली तो देखा कि ट्रक से तेल और रिफाइंड गायब था, जिसके बाद उनकी लिखित शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई और घटना के 48 घंटे के अंतर ही अंतर्राज्यीय तेल चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चोरों के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी के रिफाइंड तेल 21,000 नगद सहित चोरी करने के औजार, एक ट्रक UP-23T-92-53 चुराए गए रिफाइंड तेल 98 kg और 128 कार्टून रिफाइंड को भी बरामद कर लिया गया। फिलहाल चोरों की निशानदेही पर अन्य चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। पकड़े गए चोरों को टोल टैक्स में लगे कैमरे की पहचान की गई और बरही से चोरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि चोरी के तेल और रिफाइंड रांची के नगरी से बरामद किया गया। बताया जाता है कि डुबरी में पहले भी इस तरह की 4 घटनाओं में चोरों की संलिप्तता बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की माने तो पकड़ा गया चोर मास्टरमाइंड है। एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि बज जो कलकत्ता में, वहाँ से रिफाइन लेकर के एक गाड़ी आ रही थी, जो कि बाबूलाल पेट्रोल पंप पे उसके कुछ लोग जो गाड़ी चला रहे थे वो खाना खाकर सो गए। उसके बाद जब सुबह उन गाड़ी को निकालने के लिए जब लोग आए तब देखा कि पीछे काटा हुआ है और काट करके उसमें से रिफाइन जो ऑयल उसमें और डाल रहा था वो वहाँ से काफ़ी संख्या में गायब कर दिया गया था। तो पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के नेतृत्व में एक माने उनके दिशा निर्देश में एक टीम का गठन किया गया और टीम जो है त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर उसका खुलासा की, जिसके पास से जो 98 टीना और 128 कार्टून जो है रिफाइन ऑयल बरामद हुआ, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 3.5 लाख रुपए है। इनके पास से जो वो कटर जो यूज़ करते थे वो कटर भी बरामद हो गया है, एक मोबाइल फ़ोन और इनके पास कुछ नकदी जो कि 21,000 रुपये के लगभग है वो बरामद किया गया। ये लोग उत्तर प्रदेश राज्य से हैं और इनका गिरोह जो है वो काफ़ी सक्रिय है, NH में ये कांड करने के लिए काफ़ी माहिर हैं और इनका जो 3 सदस्य उनको पकड़ा गया है जो गैंग के सदस्य हैं, मेन सदस्य हैं और बाकी लोगों के लिए लगातार छापामारी की जा रही है। कहाँ से सर ये गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी जो है ये हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है और जो बरामदगी है वो नगड़ी थाना क्षेत्र रांची से बरामदगी हुई है। सर सामान की बरामदगी, सर ये सामान की रेकी कैसे किया करते थे? ये बेसिकली जो गैंग है ना वो रात में जो भी ट्रक ड्राइवर्स हैं वो निर्भीक होकर सो जाते हैं टॉल के पास या कहीं अपनी गाड़ी लगा दिए, तो उनका जो ड्राइवर है उस पर एक लोग नज़र रखता था कि वो कब खाना खाने गया, कब सो रहा है, और इसी तरह वो गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा करके उसको कटिंग करते थे और कटिंग करके धीरे से रात भर में सारा माल गायब करते थे। सर डुबरी में और भी कई इस तरह की घटना हुई है, 4 ये चौथा मामला था, तो पहले वाली कोई घटना में कुछ मामलों में इन्होंने अपने अपराध जो संलिप्तता है वो स्वीकार किया है, बाकी और अन्य मामलों की जांच लगातार की जा रही है।